चलिए बनाते हैं चिकन टिक्का बिरयानी। इसके लिए ना मीट ले लो और प्याज ले लो, अदरक लहसुन का पेस्ट, रॉयल गरम मसाला और मीट मसाला ले लो, रेड फोर्ट कलर ले लीजिए और टमाटो ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले लो, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये बड़ी इलायची है। अब ना क्या करो, एक बर्तन में ना थोड़ा सा ऑयल ले लो, उसमें सारे चिकन के पीसेस ना ऐसे डाल दो। इसी तरह से ना इसमें नमक, कलर, बड़ी इलायची, जो मसाले मैंने दिखाए आपको वो सारे मसाले इसमें आप डालकर इसको अच्छे से इसको मिला लीजिए पहले। वो ना गैस पर अच्छे से इसको तब तक पका लो जब तक के ना पीसेस इसके चिकन के पीसेस अच्छे से ना पक ना जाएं। इसको ना इतना नहीं पकाना कि ये चूर हो जाए, इसको इतना पकाना कि ये अच्छे से कुक हो जाए। जब ना ये कुक होने लग जाए ना, तो आप ना क्या करो, इसमें थोड़ा सा ना नींबू का रस ऐसे डाल दो ऊपर से और फिर इसको अच्छे से मिलाकर इसको पका लो। जब चिकन के पीसेस ना अच्छे से पक जाएं तो गैस को बंद कर दो और फिर ना एक कोयला ले लो, उसको ना अंगारा बना लो, ऐसे आग पे रख के उसको थोड़ी देर ना पकने दो। थोड़ी देर में ना ये पूरा अंगारा की तरह ना लाल हो जाएगा। फिर ना इसको गैस को बंद कर लो, थोड़ा सा इसको फूंक मार कर ना। अब ना इस कोयले को ना ऐसे ना चिकन के पीसेस में थोड़ा सा साइड में करके, ये जो घी आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, इसी में ना वो अंगारे को ऐसे डाल देना है और तुरंत ना प्लेट से इसको ढकना है। इसको ना ऐसे धुआं जो हो रहा है ना वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसको इसी के अंदर पैक कर देना है। देखिए कितना अच्छा धुआं निकल रहा है ना, तो इसको ऐसे बिल्कुल करना है आपको, तुरंत प्लेट को ढक देना है इस पर। अब ये तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब ना चलो ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए ना प्याज को ऐसे बारीक बारीक काट लो, एक पैन में ना ऑयल ले लो। अब ना जब थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तो उसमें ना थोड़ा सा ना ज़ीरा ऐसे डाल दो। जब ज़ीरा थोड़ा सा पक जाए फिर ना इसमें बड़ी इलायची डाल दो, बारीक बारीक प्याज जो कटी थी ना इसको डाल देना है, पूरी प्याज सारी डाल दो इसमें कट करके, और इसको ना तब तक पका लो जब तक कि ये ना पूरी गोल्डन फ्राई नहीं हो जाती। अब ना ये गोल्डन फ्राई हो जाए ना पूरी प्याज, तब ना आप इसमें ना टमाटर डाल दो और थोड़ा सा ना अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चा और हल्दी पाउडर, नमक ये सब डाल कर ना इसको ना तब तक भून लो जब तक कि ना अदरक लहसुन ना अच्छे से ना भून नहीं जाते। इसको ना मतलब अच्छे से भून जाना चाहिए, तेल बिल्कुल छूट जाना चाहिए। अगर आप कम भूंजोगे ना, थोड़ा कच्चा कच्चा अदरक लहसुन का पेस्ट महकता रहेगा। अरे मसाले ना अच्छे से ना भून जाएं, तो फिर जो पहले चिकन के पीसेस हमने पकाए थे कोयले से, उसको दागा था मैंने, तो उसमें से ना कोयले को अलग कर लेंगे। इसको कोयले को ऐसे निकाल लेंगे देखकर, कभी कभी ना ये चूर भी हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसको ऐसे निकाल लेना है चिकन के पीसेस को। अब ना इसी मसाले में सारे को डालकर अच्छे से इसको मिला लेना है। इसमें ना हरी मिर्ची भी डाल दीजिए ऊपर से और इसको ना अच्छे से मिलाकर एक साइड में रख लीजिए। अपना बिरयानी के लिए ना पानी रखते हैं, एक पतीले में ना पानी ऐसे भर के रख लो। इसमें ना नमक डालना है, इसमें ना पानी में ना नमक थोड़ा ज़्यादा ऊंचा ऐसे रखना है, आप इसे चक के भी देख सकते हो, जैसे पानी में नमक थोड़ा ऊंचा होना चाहिए बिरयानी के लिए। अब जब ये पानी खोल जाए ना, तो इसमें चावल डाल दो। चावल को पहले से भिगा के रख लो थोड़ी देर, उसके बाद इसको जब पानी खोलने लग जाए तो उसमें चावल डाल दीजिए। जब चावल ना 70% कुक हो जाए, जब लग जाए कि करीब करीब पकने की है, तो मतलब उसको पकने से पहले ही इसको पानी को निकाल लेना है चावल से, सारे पानी को।
अब ना चावल से तो सारे पानी निकल गए, अब ना बिरयानी के लिए ना परत बनाते हैं। सबसे पहले ना इसमें चावल रख लीजिए, ऐसे पूरे पतीले में ऐसे फैला कर इसमें चावल रख लेना है पहले। फिर उसके बाद थोड़े से चिकन के पीसेस, जो सालन ग्रेवी हमने तैयार की थी उसको ऐसे फैला कर पूरे में रख लेना है। दोबारा से फिर से पूरे में चावल ऐसे बिछा देना है बिल्कुल फैला कर। फिर चिकन की पूरे ग्रेवी ऐसे फैला देना है ऊपर से। इसको भी अच्छे से फैलाने के बाद ना इसके ऊपर से एक बार फिर से पूरे चावल से पूरा इसको कवर कर देना है। अब ना आप ना इसको ना पीछे चमचे की दाढ़ी से ऐसे ऐसे ना होल बना देना है। इसको आप जब होल बना दोगे ना तो इससे ये होगा ना कि इसमें से ना जो भाप बनेगी वो पूरे चावल में ना अच्छे से फैल जाएगी। अब ना इसको ढक कर ना 10-15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, आप चाहो तो लो फ्लेम पे भी रख सकते हो, इसको तवे पर रख कर ना थोड़ी देर पका लेना है। मतलब तवे पे रख कर पकाना है इसको, उसके बाद ना ये कुक हो जाएगी। फिर आपको, आप चाहो तो वैसे ही काट कर निकाल सकते हो और आप चाहो तो मिला लो, हम तो मिला के ही खाते हैं तो हमने मिला लिया इसको। अब इसको सर्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रेडी है टिक्का बिरयानी, इसको आप जैसे चाहो खाओ, सलाद बना लो, चटनी बना लो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।